इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे फॉर द यूनिट टेस्ट, और उसमें से मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि भैया आपने जो बताया था वही क्वेश्चंस वहां पे हमारे यूनिट टेस्ट में आए थे। उसी प्रकार से मैथ्स वन के भी हमको एक से दो चैप्टर्स है, तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको दे दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से हम शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स वन का आपको एक्सरसाइज 1.1 के मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे यही क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में ये क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कौन से सॉल्यूशंस आपको करने हैं अच्छे से वो बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से ध्यान से सुनना, आपको खुद से, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर देख मत, ध्यान से सुन। आपको एक्टिविटी क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके खुद से करने, मतलब ये जितने भी आपको बॉक्सेस दिखते हैं, बॉक्सेस वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स आपको खुद से निपटाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट वाला टिक कर लो, सेवेंथ वाला टिक कर लो और सिक्स वाला टिक कर लो। कौन सा? फर्स्ट, सिक्स और सेवेंथ, ठीक है, टिक कर लिए। फटाफट से नीचे आएंगे, विच इज 1.2, जैसे मैंने बोला एक्टिविटी, इसमें स्टूडेंट्स सिक्स वाला करना है और फर्स्ट वाला करना है। फर्स्ट वाला और सिक्स वाला कर लेंगे आप 1.2 में, फटाफट करते जाओ। नीचे 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 बढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स पे हम आएंगे। सिंपल सा चैप्टर है वैसे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक्टिविटी क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में आप सेकेंड वाला और थर्ड वाला टिक करके रखना, ये वाला आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में 1.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री में फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और सिक्स वाला, 1, 4, 6 ये आपको करके रखने हैं। फिर नीचे नीचे हम आएंगे विच इज 1.4 पे, तो 1.4 पे आपको स्टूडेंट्स सेकेंड और लास्ट वाला, विच इज सेकेंड और फोर, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सब्सटीट्यूट और रीसब्सटीट्यूट करना होता है, जहां तक आपको पता होगा, तो सेकेंड और फोर्थ वाला आप कर सकते हो। 1.5 पे आएंगे हम, विच इज हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आपको लास्ट के 3 या 4 मार्क के लिए आपको हमेशा दिखते हैं। तो इसमें से स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला आएगा, फिर वो डिनोमिनेटर वाला आता है विच इज फोर्थ वाला, और सिक्स वाला आपको आएगा विशाल का, विच इज टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स, देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला जो सम है ना, वो फर्स्ट वाला सम थर्ड वाले से रिलेटेड है, तो अगर आपको फर्स्ट जम गया तो थर्ड वाला भी आराम से जम जाएगा, लेकिन आपको कौन से अच्छे से करके रखने हैं, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स आपको अच्छे से करके रखने हैं। क्लियर है सबको इधर तक? अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता यार, आपको आपका क्या हमारे स्कूल वालों के साथ सेटिंग है क्या, आपको कैसे पता चलता है? देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता चलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है स्टूडेंट्स कि मैं PYQs को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। अभी आप बोलोगे भैया PYQ क्या होते हैं? PYQ होते हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अभी स्टूडेंट्स आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओसवाल पब्लिशर्स, वहां पे स्टूडेंट्स आपको लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, CBSE क्लास 10th के लिए है, अभी मैं जो लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कुछ ही समय में स्टूडेंट्स आपको SSC बोर्ड के लिए भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश के देखो स्टूडेंट्स 2014 से लेके ये नीचे 2014 से लेके तो 2024 तक है, 2000 यहाँ पे भी 2014 से लेके तो 2024 तक है, तो मैथ, साइंस, SST सभी चीजें, इवन दो इंग्लिश भी आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्व पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सॉल्व करके मिलेंगे PYQs प्लस सॉल्यूशन, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन के साथ 2014 से 2024 तक के आपको मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है? ओसवाल पब्लिशर्स की जो लिंक है भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, भैया का बहुत ज्यादा भरोसा है इस पब्लिकेशन पे, तो आप भैया के गारंटी पे ये जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन के जो बुक्स है आप जरूर जाके ले सकते हो, ओसवाल पब्लिशर्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे ही लिंक से परचेस करना है जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पे। अभी स्टूडेंट्स 1.5 तो हो गया है, देखो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस तो शायद ही कोई क्लास वाले डालेंगे यूनिट टेस्ट में, आपके स्कूल वाले हो या फिर कोई भी क्लासेस वाले हो, तो वो तो करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि पहली पहली एग्जाम है भाई, ओके। फिर उसके बाद 2.1, देखो स्टूडेंट्स पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा चिल्लर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी चिल्लर है तो नहीं बताऊंगा, मैं जो होऊंगा वो फिफ्थ और सिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, फिफ्थ और सिक्स को आप अच्छे से कर लेना।
फिफ्थ वाले में है फाइंड द के इफ एक्स इक्वल्स टू 3 वाला जो क्वेश्चन है, और सिक्स वाला तो एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि एक्टिविटी आपको पूरे करने हैं। फैक्टर्स में आप कौन से करोगे, देखो फैक्टर्स में मैं बताता हूँ, मतलब बहुत बार ये वाला मेरा एकदम तगड़ा मतलब ये आता है। फर्स्ट वाला आप करना है, फोर्थ वाला आप करना है, सिक्स वाला आप करना है, और स्टूडेंट्स इधर के जो है ना ये स्टार वाला, एट वाला और ट्वेल्थ वाला, ठीक है। अभी ट्वेल्थ और इलेवेंथ सेम ही है और टेन भी सेम है, बट ट्वेल्थ वाला आप कर लेना क्योंकि एम स्क्वायर माइनस इलेवन है, तो एम स्क्वायर को क्या कर देते हैं एक साइड में रखते हैं, माइनस इलेवन उधर चले जाएगा प्लस इलेवन में, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एम इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट इलेवन आ जाएगा, ऐसा कुछ तो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेलो ध्यान दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फर्स्ट फोर्थ सिक्स, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सिक्स आपको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। फिर 2.4 तो सिंपल है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला है वो आपको इस्तेमाल करना है। देखो इसमें आप सेकेंड वाला करके जाना, इसमें आप फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स कर लेना, ठीक है, फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स कर लेना, ये चार्ट करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू दी 2.4 अल्फा बीटा वाला, देखो दो साल पहले ना अल्फा बीटा वाला जो सम्स थे वो कट कर दिए थे, ठीक है, लेकिन इस साल अल्फा बीटा वाला सम है आपको, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट पे ये भी सेकेंड वाला करोगे, ये भी सेकेंड वाला करोगे, थर्ड वाला मतलब थर्ड क्वेश्चन का, इसमें फर्स्ट वाला करोगे, थर्ड वाला करोगे, फोर्थ वाला करोगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स आपको कंपल्शन करने ही करने हैं, और सेवेंथ वाले में आप सेकेंड वाला कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2.6, देखो स्टूडेंट्स फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आप बीच में पॉज कर सकते हो या फिर वापस वीडियो देख सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स सेकेंड वाला, फिर उसके बाद बेटा फिर उसके हाँ पिंटू चिंटू, पिंटू वाला आएगा और फिर उसके बाद नाइन्थ वाला आएगा, तो फर्स्ट फर्स्ट नहीं कौन सा बोला था मैं सम ऑफ स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड हो गया मैंने, फिर एट बोला था और नाइन्थ बोला था, सेकेंड एट और नाइन्थ आपको ये करके रखना है। मतलब स्टूडेंट्स आप पेपर देने जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपको करके जाने हैं, बाकी के भले ही आप करो ना करो लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर यूनिट टेस्ट के लिए करके जाने हैं। जो भी बोर्ड्स के फाइनल आएंगे वो मैं जरूर आपको बता दूंगा, वीडियो उसका जुलाई में हमेशा हर साल मेरा आता है जिसमें लाखों व्यूज आते हैं, तो वो वाला जो वीडियो होगा वो मैं आपको जुलाई के महीने में आपको दे दूंगा अच्छे से पूरा के पूरा PYQ को एनालिसिस करके। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मैथ्स 2 के लिए, टारगेट दे रहा हूँ 200 लाइक्स कर देना मैथ्स 2 का वीडियो आ जाएगा, तब तक पीस आउट, और ओसवाल पब्लिशर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं।